दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल खुशबू कुक्स पे। आज मैं आलू के चिप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तुरंत बनने वाली रेसिपी है। आपको इस चिप्स को बनाने के लिए पहले से कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, छिलके हटा लिए हैं मैंने। पतला पतला काट लेना है। मैंने यहाँ पे बारीक वाला स्लाइसर यूज़ किया है जिससे बिल्कुल पतला कटता है। हमें वही पतला वाला स्लाइसर यूज़ करना है। जितना पतला हो सके उतना पतला आलू काटना है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना पतला आलू कटकर तैयार हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। पतला आलू काटेंगे तो उससे चिप्स जो है वो क्रिस्पी बनेगा, और मोटा काटेंगे तो फ्राई करने के बाद चिप्स जो है वो नरम पड़ जाएंगे, क्रिस्पी नहीं रहेगा। इसीलिए कोशिश करें जितना पतला हो सके उतना पतला काटें। आलू को यहाँ पे मैं स्लाइस करके तैयार कर ले रही हूँ सारे आलू को। आलू यहाँ पे डायरेक्ट मैं पानी में काट कर डाल रही हूँ। ऐसा करने से आलू जो है वो काले नहीं पड़ते हैं। पानी यहाँ पे नॉर्मल पानी है, ठंडा नहीं है। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, 1/2 टेबल स्पून, जिससे कि आलू में नमक का फ्लेवर भी आ जाए। नॉर्मल पानी में मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक डाला हुआ है। इसी में आलू मैंने काट कर तैयार किया है। सारे आलू मैंने यहाँ काट कर तैयार कर लिए हैं। छान लेंगे, थोड़ी देर छान कर रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए। उसके बाद किसी भी ऐसे कपड़े पे ऐसे फैला देना है हमें, ताकि जो पानी है वो सूख जाए। आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक एक करके पानी को यहाँ पे सुखा ले रही हूँ। सारे चिप्स मैंने यहाँ अलग अलग फैला कर रख दिए हैं ताकि जो पानी है वो सूख जाए। कुछ देर बाद देखेंगे आलू सारे सूख चुके हैं, थोड़ा सा भी आलू में पानी नहीं है। फ्राई कर लेंगे अब। आलू को सुखा ले फ्राई करने से पहले। ऐसा करने से आलू फ्राई करते वक्त छींटे नहीं मारेंगे तेल के। यहाँ पे हमें फ्राई कर लेने हैं। तेल यहाँ पे गरम है, इसमें मैंने सारे चिप्स डाल दिए हैं। तेल हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है और तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। अगर तेल अच्छे से गरम नहीं होगा तो सारे चिप्स में तेल आ जाएगा, अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो तेल फ्राई करने के पहले अच्छे से गरम कर लें। लगातार हमें चलाते रहना है। आलू यहाँ पे पतले पतले काटे गए हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में। लगातार चलाते रहें, नहीं तो यहाँ पे एक तरफ से जल जाएगा। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद ही हमें निकाल देना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो अगर ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो आलू का टेस्ट कड़वा हो सकता है। हल्का सा मैं यहाँ गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। इसी तरह सारे आलू मैंने यहाँ पे फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। आलू जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो आपको फील होने लगेगा आलू क्रिस्पी हो चुका है। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, हाई नहीं रखना है ना स्लो रखना है। स्लो रखेंगे तो आलू में तेल आ जाएगा, और अगर हाई रखेंगे तो आलू जल जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। लगातार चलाते रहें, पलटते रहें। देखा आपने, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है पहले से, ना आपको बॉईल करना है ना फिर आपको पहले से कुछ भी करने की ज़रूरत है। तुरंत आप इसे बनाकर खा सकते हैं। चिप्स यहाँ पे तैयार है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, नमक का फ्लेवर आएगा, या फिर इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मसालों में मैंने काला नमक यूज़ किया है और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, स्वाद के अनुसार यूज़ करना है हमें, और अच्छे से मिला देना है। काफ़ी क्रिस्पी बना है, देख सकते हैं आप। आप इसे शाम के नाश्ते में या फिर खाने पे भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं पापड़ की जगह। आप इसे चाहे तो एक्स्ट्रा बनाकर एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, कुछ दिन तक आराम से चल जाएगा ये। सारे मसाले अच्छे से मिला देने हैं हमें। अगर आपको ये आसान सी आलू की चिप्स की रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरी इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।